संघर्ष आंदोलन और देश के माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय के बाद जो अयोध्या के अंदर भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, श्री राम प्रभु श्री राम के स्वरूप की स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, तमाम देशवासियों को सनातन समाज को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस समारोह को लेकर जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो सिलेक्टिव इनविटेशन दिए गए हैं, उसको लेकर जो चौतरफा बवाल मचा हुआ है, उससे आम राम भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। देखिए, प्रभु श्री राम सबके हैं। आप याद कीजिए 1992 का आंदोलन, जिसको याद कर आज भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस आंदोलन के अंदर देश की महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने इस आंदोलन का हिस्सा रहे थे। और आप वंदनीय बाला साहब ठाकरे के बेबाक अंदाज को कैसे भूल सकते हो? आप कैसे भूल सकते हो किस निडरता के साथ शिव सैनिक मैदान के अंदर डटे रहे थे? आप कैसे भूल सकते हो जो 15 किलोमीटर दूर सूर्यवंशी क्षत्रियों ने 300 सालों तक जूता और पगड़ी नहीं पहनी? हमें जो आप सेलिब्रिटीज को न्योता दे रहे हो, अपने चहेतों को न्योता दे रहे हो, उनसे कोई एतराज नहीं है। मगर हमारी मांग है कि तमाम जो दल इस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, उन तमाम दलों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। आम जनता, प्रभु श्री राम के आम भक्तों को भी 22 जनवरी को न्योता दिया जाए, किसी के लिए वहां जो है तमाम लोगों को वहां आने की अनुमति दी जाए। इसी मांग को लेकर हमने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जो है एक ज्ञापन भी भेजा है, जिसके अंदर ये तमाम मांगे की गई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी काफी दिन शेष है, राम जन्मभूमि का ट्रस्ट जो है इसका कड़ा संज्ञान लेगा और तमाम उन लोगों को आमंत्रित करेगा जो इस आंदोलन का भव्य राम मंदिर की पुण्य प्राप्ति के लिए संघर्ष का हिस्सा रहे। मुनीश जी, आपको लगता है जो एनडीए का हिस्सा था शिवसेना, तब तमाम कार्यक्रमों में सबसे पहले उनको बुलाया जाता था, लेकिन एनडीए से नारा टूटते ही आपको जो है वो बेदखल कर दिया गया? देखिए, ये धार्मिक समारोह है, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं इस धार्मिक समारोह को राजनीतिक रंग ना दिया जाए, इसको पार्टियों के अंदर ना बांटा जाए। तमाम प्रभु श्री राम सबके हैं, तो जिन तमाम लोगों ने आम जनता के साथ साथ इन संघर्ष का हिस्सा हुए हैं, खास करके शिव सैनिक तो हमेशा मैदान के अंदर डटे रहे हैं, तो उनको भी जो है न्योता दिया जाना चाहिए। अगर आपको न्योता नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? देखिए, कुछ नहीं कर सकते हम, बाद में जाएंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के निर्देशानुसार तमाम शिव सैनिक भी एक दिन पूछ करेंगे।